दोस्तों, आज हम जियोग्राफी वाले हिस्से के अंतर्गत बात करने वाले हैं काली मिट्टी के बारे में। भारत की ब्लैक सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ने सन 2021 में पूछा था, इसीलिए मिट्टियां हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। मिट्टियों से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं हमको देखना है, कितने प्रकार की मिट्टी हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती हैं, कौन सी मिट्टी किस कारण से बनी है, यूपीएससी ने यही चीज़ पूछा था। काली मिट्टी का निर्माण आखिर हुआ कैसे करके है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें ज्वालामुखी की, ठीक है, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है आप देखते हैं, धरती में आने के बाद, जमने के बाद ठोस हो जाता है और काला काला दिखता है। यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि काली मिट्टी का निर्माण हुआ कैसे होगा। यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन क्या था, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है, ठीक है, किसका अपक्षय हुआ है जिसके चलते चलते काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। पहला रीजन है भूरी वन मृदा, विदरी ज्वालामुखी चट्टान, ग्रेनाइट और सिस्ट, सेल और चूना पत्थर, कौन सी चीज है, ठीक है, जिसके चलते चलते काली कपास मृदा की रचना हुई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ज्वालामुखी चट्टान, जिसको फिसर या फिर दरारें बोलती। तो दरारें वो जगह है जहाँ से लावा निकलता है या फिर लावा फूटता है। इन दरारों से निकला लावा कुछ समय के बाद स्थिर हो जाता है और एक चट्टान बना लेता है, काले रंग की चट्टान होती है, जिसे ज्वालामुखी चट्टान के रूप में हम जानते हैं। काली कपास मृदा इन चट्टानों की अपक्षय के कारण, ठीक है, हवा, पानी, धूप, इन सब के चलते चलते उसका अपक्षय होता है और उसी अपक्षय से बनती है काली कपास मृदा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं काली मृदा से रिलेटेड कौन सी चीज़ें पूछी गई थी। तो मतलब कि हमें यदि मिट्टी के बारे में पढ़ना है तो हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, मिट्टी के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है, कौन सी मिट्टी किस कारण से निर्माण उसका हुआ है, इसके बाद हमें देखना है इसका वितरण क्षेत्र कहाँ कहाँ है, कौन कौन से राज्यों में ये पाई जाती है, ये भी हमें देखना है। यदि हमें राज्यों के नाम याद नहीं भी हैं तो हमें डायरेक्शन याद होना चाहिए, ठीक है, कि जलोढ़ मिट्टी उत्तरी वाले भारत में पाई जाती है कि दक्षिणी भारत में, कि पूर्वी भारत में, कि पश्चिमी भारत में। तो भारत की जो सबसे बड़ी मेजर मिट्टी है उनको कौन कौन सी बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी है, फिर होती है लाल मिट्टी, फिर है काली मिट्टी और चौथे नंबर में है लैटराइट मिट्टी। तो ये जो यहाँ पर पिक्चर बनाया गया है, ग्राफ बनाया गया है, वो सॉइल का टाइप दिखाया गया है और उसका कलर दिखाया गया है। और हम जब बात कर रहे हैं ब्लैक सॉइल की, ठीक है, तो जो काली मिट्टी है उसकी डेप्थ कितनी बताई जा रही है, 100 से लेकर के 300 सेंटीमीटर तक। पीएच की यदि हम वैल्यू की बात करें तो 6.5 से 8.5 इसकी पीएच वैल्यू है। अब जो हमारी ब्लैक सॉइल है उसको हमने लाइट ग्रीन कलर से दर्शाया है। मेजर पार्ट कहाँ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कुछ हिस्सा तेलंगाना का है और छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा बहुत हिस्सा इसका पाया जाता है। तेलंगाना में है कुछ हिस्सा, आंध्र प्रदेश में भी चला गया है इसका। तो देखा जाए भारत का जो बीच वाला एरिया है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पर कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी है। वहीं राजस्थान की तरफ आप जाते हैं तो राजस्थान का हिस्सा आपको अच्छी तरह से पता है कि ज़्यादातर रेगिस्तानी एरिया है, इसलिए यहाँ पर हमको डिजर्ट देखने को मिलता है, ठीक है, रेतीली मिट्टी देखने को मिलती है। वहीं ये जो आप ब्लू कलर देख रहे हैं, पार्टिकुलर ऐसी लंबी लंबी पट्टी के रूप में, तो ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं ये मिट्टी है एल्यूवियल, ठीक है, एल्यूवियल मिट्टी, जिसको आप जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई ये मिट्टी है। फिर नेक्स्ट जो कलर आप देख रहे हैं वो कौन सा है, रेड, रेड कलर देख रहे हैं आप ये, ठीक है, तो ये है लाल मृदा। लाल मृदा आप देख रहे हैं कि पूरब से लेकर के पूरा साउथ तक, ठीक है, किनारे किनारे के जो राज्य हैं यहाँ पर हमको लाल मिट्टी दिखाई देती है। ब्लैक मिट्टी हो गई, डेजर्ट वाली हो गई, एल्यूवियल हो गई,
मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक, ठीक है। ये जो आपको बैगनी कलर दिखाई दे रहा है, ये कलर आपको है कि रेड और ब्लैक दोनों का मिश्रण है। ग्रे एंड ब्राउन की यदि हम बात करें, तो ग्रे एंड ब्राउन जो कलर है राजस्थान और गुजरात वाला कुछ एरिया है। लैटराइट मिट्टी की बात करें, एकदम लाइट कलर आप देख लीजिए, खोज लीजिए कहाँ पर है। गोवा, कर्नाटका, केरल का कुछ हिस्सा, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा, उड़ीसा का कुछ हिस्सा है, इधर मेघालय है, कुछ कुछ हिस्सा म्यांमार में है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। फिर है कुछ पहाड़ी मृदा भी है, जैसे कि पहाड़ी एरिया की तरफ आप जाएं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया है। इसके अलावा यदि बात करें सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ पर हमको पहाड़ी मृदा देखने को मिलती है। तो जैसे कि हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि ये मिट्टी आखिर बनी कैसे करके है, ये मिट्टी बनी है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से, उसके अपक्षय होने से। इसमें क्या क्या रहता है, आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम ज़्यादा पाया जाता है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट और ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है, और इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इसको हम रेगर मिट्टी भी कहते हैं। इसकी और कपास की खेती के लिए सबसे बेहतरीन होती है, इसीलिए हम इसको काली कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। अन्य फसलों में क्या क्या हम उगा सकते हैं, गेहूं, ज्वार, बाजरा। भारत में कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहाँ, सलेम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर, तिरुन वैली जिलों और राजस्थान के बूंदी और टोंक जिलों में ये पाई जाती है। इसके अलावा यदि कुछ और फैक्ट की हम बात करें, तो देखिए इसकी जो मेन सामग्री है जिससे ये बनी है, वो ज्वालामुखी की चट्टाने हैं, जो कि दक्कन के पठार, जिसको हम डेक्कन और राजमहल ट्रैप बोलते हैं, इसी से इसका निर्माण हुआ है। तमिलनाडु में नीस और सिस्ट इसकी मेन सामग्री है, जिसमें नीस गहरी और सिस्ट उथली होती है। ये उच्च तापमान और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, इसीलिए प्रायद्वीपीय क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है। इसको कपास मृदा और रेगर मृदा भी बोलते हैं, आप देख चुके हैं। मिट्टी का रंग टाइटैनिक मैग्नेटाइट या फिर लोहे और पैतृक चट्टान में काले घटकों की उपस्थिति के कारण इसका काला कलर है। गीली होने पर क्या हो, देखते हैं हम, काली मिट्टी चिपचिपी हो जाती है और थोड़ा फूलने लग जाती है, और सूखने पर इसमें गहरी दरारें बन जाती हैं, जिससे क्या होता है, हवा का संचालन होने लगता है, हवा अंदर बाहर चली जाती है, जो वातावरण से नाइट्रोजन के अवशोषण में सहायक है। इस प्रकार इसमें स्वतः जुताई हो जाती है। वायु के इस प्रवाह और ऑक्सीकरण से इस मृदा की उर्वरता बनी रहती है। यही एक रीज़न है कि ये मिट्टी इतनी उर्वर क्यों है। ये उर्वरता कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बिना सिंचाई के कपास की फसल के लिए बहुत बढ़िया रहती है। और रंग की बात करें, तो गहरा काला, मध्यम काला, लाल और काले रंग का मिश्रण भी हमको दिखाई देता है। इस मिट्टी को हम अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। ये अपारगम्य होती है, मृणमय है। इस प्रकार से वन लाइनर फैक्ट भी पूछे जाते हैं। देश की टोटल जितनी भी भूमि है, उस भूमि का 6% हिस्सा में ये मिट्टी पाई जाती है।